गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट पार्ट वन. नाउ वी विल कैरी ऑन टॉपिक्स पार्ट टू. इन पार्ट वन एज यू नोटिस दैट the seagull was completely starved. He hadn't taken the food before last night, and his parents and brothers and sisters left him alone. He was just sitting in his lair when the sun was increasing, or it was in ascending order at that time. Sun rays falls on him and he was feeling unconscious. He was standing at the brink of the ledge and he noticed that his brothers and his parents were flying over the sea. None was looking toward him. He was looking toward his parents, but none was looking toward him beside his mother. His mother was watching him that he had hunger, but she was compelled. She can't do anything. Finally, he was watching that his mother was tearing the fish into pieces. Then he said that, then he begged, then he requested to his mother, "Mother, give me something to eat." Now let's carry on ahead. Carry on topic that ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. As I told you, he was requesting to his mother that, "Mom, please give me something to eat." She screamed back derisively, and his mother was behaving like that as he was stupid. उसकी माँ ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वह ही वॉज अ कंप्लीटली स्टूपिड नॉनसेंस. देन ही kept calling plaintively. What it means of the plaintively? Plaintively means in a pain. दर्द में करा रहा था वह सीगल बहुत ज्यादा, क्योंकि ही वॉज हंग्री, भूखा था. ही डिडंट टेक अ पीस ऑफ फूड बिफोर प्रीवियस नाइट. पिछली रात से उसने एक भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं लिया था अपने मुंह में. एंड आफ्टर अ मिनट्स आर सो सी अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम्स. बट अपर फ्यू मोमेंट, कुछ ही क्षण के बाद, पहले तो वह एकदम दर्द में करा रहा था, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद उसका दर्द कन्वर्ट हो गया किसमें? इन हैप्पीनेस, इन अ जॉय, इन ए प्लेजेंट मूड. एकदम खुश हो गया. वाई? बिकॉज हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. वाई ही बिकेम हैप्पीनेस? क्यों वो खुश हो गया?
क्योंकि ही वॉज नोटिसिंग, ही वॉज वॉचिंग दैट हिज मदर वॉज फ्लाइंग टूवर्ड हिम एंड इन हर बीक देर वॉज समथिंग फूड. उसने देखा कि उसकी माँ उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी और उसकी बीक में, उसकी चोंच में खाने के लिए कुछ था. और यही देख करके वह एकदम खुश हो जाता है और ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट. ही वॉज अ वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश हो गया. एंड ही वॉज जंपिंग ऑन द रॉक, जिस चट्टान पर वो खड़ा था वहीं पर कूदने लगा, जंप करने लगा, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस. वह अपनी मां के पास तक उड़ जाना चाहता था, लेकिन वो देखता है उसकी मां उसकी तरफ, हर हिज मदर वॉज कमिंग टूवर्ड हिम, बट सडनली ही नोटिस दैट सी स्टॉप टू फ्लैपिंग हिज हर विंग्स. लेकिन वो देखता है कि उसकी मां जो है अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर देती है. हाल्टेड मींस सी स्टॉप्ड, रुक जाती है. हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद रीच ऑफ हिज बीक. जहां रुकती है फिर भी उसकी चोंच से, उसकी मां की चोंच से वह फिश का टुकड़ा उसके पास तक, उसकी चोंच तक आ जाता है. ही वेटेड अ मोमेंट इन अ सरप्राइज वॉन्टिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर. कुछ दूर से ही जब वह उसकी मां उसको खिला के चली जाती है तो एट दैट टाइम सीगल वॉज बिकेम वेरी सीरियस, बहुत दुखी हो जाता है. एंड ही स्टार्टेड टू थिंकिंग वाई माई मदर नॉट कम नियर टू मी, वॉट हैपन. देन maddened by hunger, as I told you he was starved before previous night, it was seeming that he was mad. aisa pratit ho raha tha ki pagal ho gaya hai ekdam bhook se. he dived at fish with a loud scream, he fell outward and downward into space. जब उसकी मां ने ना उस फिश के टुकड़े को दूर से ही फेंका तो एट वंस ही वांटेड टू कैच इट, तुरंत वह उसे पकड़ लेना चाहता था. और उसे पकड़ने के लिए ही हैड टू फ्लाई, उसे उड़ना पड़ता. सो ही डिड सो, उसने ऐसा किया, मींस ही फ्लाइड, वह उड़ता है. और उड़ता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? देन अ मॉन्स्टर टेरर सेज हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. देर वॉज अ टेरर इन हर हार्ट. वह जैसे ही उड़ता है उसके हृदय में, उसके हार्ट में जो है एक डर आ जाता है, फियर आ जाता है, टेरर आ जाता है. देन ही कुड हियर नथिंग but it only lasting a minutes. The next moment he felt his wings spread outwards. उसको कुछ सुनाई नहीं देता, भूख से इतना परेशान रहता है. और जैसे ही उड़ जाता है और उड़ता है तो उसका उसको बहुत शौक लगता है. लेकिन वो देखता है कि his wings were spreading, उसके पंखे खुल जाते हैं. जो पहले एकदम कितना भी ट्राई करता था जो उसके पंखे खुलते नहीं थे, बट हियर हिज विंग्स स्प्रेड, उसके पंखे खुल जाते हैं.
The wind rushed against his breast feathers, and he was watching that the winds were blowing against him. हवा भी उसके खिलाफ चलती है. जो बिना हवा के नहीं उड़ सकता था, now he had to fly. He has to fly against the winds. आज उसी को हवा के खिलाफ उड़ना पड़ता है. It is the matter of the circumstances. परिस्थितियों का मामला है. परिस्थितियां कितनी विपरीत हो जाती हैं. Then under his stomach and against his wings, he could feel the tips of his wings cutting through the air. और फिर वो देखता है कि हवा उसके अगेंस्ट बह रही है, फिर भी वह उसमें उड़ रहा है. और हवा जो है उसके पेटों को टच करते ही उसके पंखे हवा को फाड़ते हुए, चीरते हुए आगे निकल जाते हैं. He was not falling headlong now. पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया कि when he wanted to fly, but he didn't fly. Then he put his head under his stomach and started to run. वह क्या करता था? जब उड़ना चाहता था लेकिन उड़ नहीं पाता था तो अपने सर को एकदम पेट की तरफ झुका करके भागता था. But here he didn't do anything. वह ऐसा कुछ भी नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं किया. He just felt a bit dizzy. What is means of dizzy? An uncomfortable feeling of spinning around and losing ones. सिर्फ उसको ऐसा फील होता है और वह शुरू कर देता है गा 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 गा. इट इज द साउंड ऑफ द सीगल. ये उस सीगल की आवाज है. हिज मदर सूड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज एंड ही नोटिस दैट हिज मदर वॉज फ्लाइंग विथ हिम. वह देखता है उसकी माँ भी उसके साथ उड़ती है. And his wings were making a noise, और there were loud noise. देखता है कि उसकी माँ जब उड़ रही थी तो उसके पंखे से आवाज निकल रही थी. He saw his two brothers. Then his father flew over him, screaming. फिर वो देखता है कि उसके पापा जो पहले नाराज थे, who was angry with him, now he was also flying with him. वो भी उसके साथ उड़ना शुरू कर देते हैं. He saw his two brothers and sisters were flying around him, curvetting and banking and soaring and diving. अब वह देखता है कि उसके दोनों भाई बहन भी उसके साथ उड़ना शुरू कर देते हैं. कर्वर्टिंग मीन्स होता है जंपिंग लाइक अ हॉर्स. उसके घोड़ों की तरह उसके साथ कूदते हैं. एंड बैंकिंग एंड सोरिंग. सोरिंग मीन्स एज आई टोल्ड यू, सोरिंग मीन्स फ्लाइंग. देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. और मैंने पहले आपको बताया था ना कि उसको ऐसा लगता था इन हिज होल लाइफ ही नेवर एबल टू फ्लाई. उसको ऐसा लगता था कि वह जिंदगी में कभी उड़ नहीं सकता. लेकिन आपको बता दें, हु हैज अ फर्म फेथ, हु हैज अ स्ट्रांग डिजायर, ही कैन डू एवरीथिंग. जिसके पास दृढ़ विश्वास है वह सब कुछ कर सकता है. इरादे आपके नेक होने चाहिए. तो यहां पर उसको ऐसा लगता था कि इन हिज होल लाइफ ही नेवर एबल टू फ्लाई. वह पूरे जीवन भर उड़ नहीं सकता था. बट इट वॉज रॉन्ग, ये गलत था. नाउ हियर ही स्टार्टेड टू फ्लाई. इधर वह उड़ना शुरू कर देता है. एंड कमेंटेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सोर एंड खर्व श्रीकिंग श्रीली. वो भी अपने भाइयों, अपने मम्मी पापा की तरह आवाज निकालने लगा, तेज तेज श्रीली वॉइस, शार्प वॉइस निकालने लगा.
He was near the sea now, flying straight over it. अब वो ऐसे जगह पर आ जाता है. Now he was, पहले उसको समुद्र से डर लगता था. उसको ऐसा लगता था कि इतना बड़ा समुद्र है, कैसे वो उड़ करके पार करेगा. लेकिन यहां पर वो कंडीशन भी उसके सामने आ जाती है. अब वो ऐसी जगह पर उड़ते उड़ते आ गया जहां पर उसके नीचे क्या था, समुद्र था. दे वेयर बिकम टू हिम कॉलिंग फ्रीली. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. देन व्हाट डिड ही डू, वो क्या किया. When he was completely tired, जब वह एकदम पूर्ण रूप से थक जाता, exhausted हो जाता है. Exhausted means tired, थका हुआ. When he was completely exhausted, जब वह completely थका हुआ हो जाता है, then he wanted to get down on the water. ऊपरी level, पानी की ऊपरी सतह पर उतरना चाहता, उतरता है. और जैसे ही वह उतरता है, उसके पैर पानी में चले जाते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि अब वह डूब जाएगा. क्यों? क्योंकि वह आज तक पानी में भी उतरा नहीं था. लेकिन होता क्या है, हिज लेग्स सैंग इन टू इट. उसके पानी इसमें चले जाते हैं, डूब, उसके पैर इसमें चले जाते हैं, डूब जाता है. He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings. Then, when he noticed that his legs were dipping in the water, at that time he was completely in fear. उसको डर हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि वो पानी में डूब जाएगा. Then he once again started to flap his wings. वह तुरंत अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देता है. एंड ही वॉन्टेड टू फ्लाई, वो उड़ जाना चाहता है. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड. एज आई टोल्ड यू, ही हैडन टेकन द फूड बिफोर टू डेट, सो ही वॉज कंप्लीटली टायर्ड, एग्जॉस्टेड. ही कुडंट फ्लैप हिज विंग्स प्रॉपरली, अपने पंखों को फड़फड़ा नहीं पाता है. तो होता क्या है, बाय द स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, एक अलग एक्सरसाइज करना शुरू करता है. हिज फीट सैंग इन टू द ग्रीन सी, उस हरे पानी में उसके पैर डूब जाते हैं. एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसका, आपने देखा होगा कि जब बर्ड्स जो है पानी में तैरते हैं, तो उनका पेट जो है वो टच हुआ रहता है, स्टमक जो होता है वो टच हुआ रहता है वाटर से. तो बेली मींस होता है स्टमक, उसका पेट जो है वह किससे टच होता है, पानी से हो जाता है. एंड ही सैंक नो फर्दर, जब जैसे ही उसका, उसकी बेली, उसका स्टमक टच होता है पानी से, तो वह उसके और नीचे जाता नहीं है. He was floating on it. Now he started to float over the water. अब वो पानी के ऊपर भी तैरना शुरू कर देता है. And around him, his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scrap of dogfish. अब वो क्या करता है, जिसके परिवार पहले उसे थ्रीट करते थे, धमकी देते थे कि तुमको खाने को नहीं मिलेगा अगर तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे, तुमको खाना नहीं दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा. आज द होल फैमिली वॉज विथ हिम, पूरा परिवार उसके साथ था. और एवरीवन वर क्लैपिंग, सब लोग ताली बजा रहे थे, प्रेजिंग, प्रशंसा कर रहे थे उसकी. And he was tearing the fishes into pieces. और वो भी अपने मम्मी की तरह मछलियों को, डॉग फिश को क्या कर रहा था, टुकड़े टुकड़े कर रहा था. He had made his first flights in this way.
ही कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पर पहले तो स्टार्टिंग में लगता है, ये हर बच्चों के साथ होता है, देखिए हम सबसे पहले अपने अंदर ये वीकनेस लाते हैं कि वी कांट डू इट, हम इस काम को नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ी आपकी कमी है। दैट इज योर ब्लंडर, इसको हम ग्रास मिस्टेक नहीं बोल सकते, इट इज योर ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती है। किसी चीज को ऐसा नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपको जैसे बताया जाता है, आपने एडवर्टाइज में देखा है कि इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल वर्ड छिपा है, इम तब पॉसिबल मीन्स एवरीथिंग इज अ पॉसिबल बट वी हैव टू मेक एफर्ट, हमको कोशिश करनी होगी। हम क्या करते हैं, हमारी राइटिंग पुअर है तो वी डिडंट प्रैक्टिस इट, हम इसकी आदत नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन ऑलवेज माइंड इट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक आपको प्रॉवर्ब बता दूं, कहा गया है इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वांट टू बी सक्सेस देन यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड देन द सक्सेस कीस योर फीट, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो परिश्रम कीजिए, और यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सो वर्क हार्ड, और आप कभी ये मेंटेलिटी अपने मत लाइए कि वी कांट डू दिस वन, हम इस चीज को नहीं कर सकते, यू कैन डू इट बट ट्राई इट, दैट्स ऑल। आई थिंक यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड यू मे कमेंट इन दिस कमेंट बॉक्स, थैंक यू, दैट्स ऑल।